तुम खुद देखो, 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है। कितने साल जम के बोलो जरा, 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। खूब खाता, आराम से पचता, खूब डेंटिंग पेंटिंग सब चकाचक, कपड़े मपड़े सब जोरदार, रकम मकम सब पीने खूब अच्छा लगे, क्योंकि 40 वर्ष की जिंदगी तुम्हारी है। तो 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। 40 के बाद किसकी लगी थी जम के बोलो, गधे की। तो 40 से 60 तक मनुष्य गधे जैसा बोझड़ होता है। बच्चों को बड़ा करना है, शादी करना है, मायरा भरना है, परिवार को पालना है, तो बोझा ढो रहा है। जैसे गधा बोझा नहीं ढोता, ऐसे 60 तक बोझा ढोया। 60 के बाद उम्र किसकी लगी, कुत्ता की। जब 80 की उम्र में आता है तो कुत्ते को दरवाजे पे रखा जाता है। जब तुम्हारी 80 की उम्र होगी तो घर के लोग कुर्सी डाल के खटिया पलंग दरवाजे के पास हॉल में बिठा देंगे, वहीं बैठे, और रोटी भी दरवाजे के पास, चाय भी दरवाजे के पास, क्योंकि कुत्ते को अंदर परमिशन नहीं है। और कोई भी मिलने आया तो वहीं से चिल्लाया, बहू, वहीं से आवाज, क्योंकि कुत्ते की उम्र लगी है। वही से अब कुत्ते के बाद में 80 के बाद, 80 से 100 उल्लू की। डॉक्टर साहब क्या गए, डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने टेबलेट दे दी, नींद की गोली दे दी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना, पर 80 से 100 साल की जब उम्र होगी, डॉक्टर को क्या मालूम कि किसकी लग गई। शिव महापुराण कहती है 80 से 100 में कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी इंजेक्शन लगवाओ, पर रात्रि को नींद नहीं आएगी। गोली खा भी लोगे तो रात के 1.5-2 बजे तक चकाचक सोएगी, 2 बजे के बाद उल्लू जैसी बैठी रहेगी। 2 बजे के बाद कितना भी खाओ, कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर 80 से 100 में जाग रही, आधी रात को जागे, बहू के मम्मी सो नहीं रही, आई सोई नहीं, आई के मारे नींद ही नहीं आई। अब इसके कौन समझाए उल्लू की लगी, कौन समझाए इसके। 80 से अपन तो सब कथा छोड़ो, अपन अपनी कथा पे आओ। चलो महाराज, तो जो बहुत दूर रहती है ना वो अच्छी लगती है, जो पास में रह रही दूर के ढोल सुहावन ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति वालों, काय श्रेणी की कथा 10-15 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत तो ना है, है? हाँ, क्या विचार है तुम्हारा? नहीं अगर खाना हो तो मैं तुम अक्षतम केशव कर दूं, मारे का ये मिर्ची का ठेसा तैयार अपने कहीं कर। आमठी न चावल आज तो खूब चक निपटा। अगला प्रश्न है, तो ये प्रदीक्षिणा का प्रश्न, अगला प्रश्न। शिवलिंग की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में कहाँ रखें, जहां तुम्हारी मर्जी हो। अब ये तो भगवान शंकर को पूजा घर में रखो ना, जहां पूजन होती है, जहां देवचा बैठे हुए वहां रखो। पीपल के पेड़ को सोमवती अमावस्या के दिन 108 फेरी क्यों लगाई जाती है? बहुत बढ़िया, हमने तो नहीं की कि लगाओ, अब तुम्हारा मन है 108 लगाने का। याद रखना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से वैभव बढ़ता है, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने से लक्ष्मी बढ़ती है, याद रखिए। तुलसी की परिक्रमा करने से सौभाग्य बढ़ता है। अब 108 मन का लगाओ, चाहे 208 लगाओ, 216 लगाओ, ये आपके ऊपर है। यहां आपका भाव होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे रिझाएं।
केसरी छा, ये आपका भाव है। उसका फल क्या है? तो उसका फल वैभव प्राप्ति का है, धन प्राप्ति का, यश प्राप्ति का। आप जितनी लगा ऋषभदेव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज अपनी योनि से छूटे तो हिरण की योनि में गए। हिरण की योनि पाने के बाद श्री ऋषभदेव जी के पुत्र जो भरत जी थे, हिरण की योनि में आने के बाद में, हिरण की योनि पाने के बाद भरत जी को लगा कि मैं इस हिरण की योनि में पड़ गया हूं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो हिरण की योनि में आने के बाद भरत जी महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे जो संत बैठे हुए थे उनकी 108 परिक्रमा करते थे हिरण की योनि में। तो हिरण की योनि के 108 परिक्रमा कर रहे थे। उस दिन थी सोमती अमावस्या का दिन, जिस दिन हिरण की योनि से परिक्रमा करते करते भरत जी महाराज छूट गए थे और वापिस मनुष्य की योनि में आ गए थे। ये 108 परिक्रमा का फल है। ऋषभ जी के पुत्र हिरण की योनि से छूटकर परमात्मा की भक्ति को मनुष्य देह में ले गए। शायद हो सकता है हम मानव की देह में हैं और मनुष्य के देह में आकर अगर हम भगवान की 108 परिक्रमा लगाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, 108 परिक्रमा के अंतर्गत हम डूबे रहते हैं, तो हो सकता है मनुष्य की योनि से छूटकर हम देव योनि में चले जाए, भगवान की परास प्राप्त हो जाए। तो शास्त्र कह रहा है, अंजना माता गौतम बाबा से कहने पर शंकर की आराधना कर रही, और आराधना करी माता अंजना ने शिवजी की, आराधना करी शंकर की, जब आराधना करी शंकर का अभिषेक करा, भगवान भूत भावन प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने उसी समय माता अंजना को वर प्रदान करा। तो चिंता मत कर, तेरे घर में पुत्र होगा। पुत्र तू क्यों चिंता कर, भगवान शंकर जब भी देते हैं छप्पर फटके देते हैं। भगवान कृष्ण के यहां कितने बच्चे दिए? 1,77,086। अब अंजना माता के यहां भगवान संतान दे रहा है? भगवान अंजना माता के यहां हनुमान जी महाराज कितने भाई थे? माता अंजना के गर्भ से जो संतान हुई थी, हनुमान जी महाराज सगे भाई कितने थे? हनुमान जी कितने भाई? अरे बोलो तो सरी, हनुमान जी भाई कितने हैं? सगे भाई कितने हैं हनुमान जी महाराज? तो अंजना माता ने जब भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। समय बीता, माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित करा। स्थापित करने के बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन, भगवान अंजना माता के गर्भ से शंकर का ही एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। महाराज श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी सगे भाई हैं छह। कितने भाई हैं? छह सगे भाई। सबसे पहले नंबर हनुमान, फिर गतिमान, केतुमान, धृतिमान, यतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज के छह भाइयों का क्रम वर्णन किया गया है। कितने भाई हैं? छह। हनुमान जी महाराज का एक भाई है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। और जिसके यहाँ पर फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो नट बोल्ट की हो, पानी की हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री में जरा सी भी तकलीफ आती है तो हनुमान जी महाराज के उल्टा पांव, लेफ्ट पांव के नीचे का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर अगर फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री धड़ाके से चलना चालू हो जाती है, कभी खराब नहीं होती, कभी परेशान नहीं करती। महाराज गतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई, गतिमान का नाम है। ये जो राजनेता होते हैं ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है, तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति
युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा, लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है, तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है, चाहे कुछ भी, गतिमान, गतिमान है वो, नीचे नहीं है उसकी प्रखरता, गतिमान। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट हुआ, अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रगट हुए, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भोप। श्री हनुमान जी महाराज प्रगट हुए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ, श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज प्रगट हुए। प्रबल रावण को मारने में सबसे ज्यादा सहयोग किसने करा था, अरे जम के तो बोलो, हनुमान जी। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं, बोलो तो हनुमान के। अपने करमाला में तुम गिनना, अगली बार आऊंगा तो पूछूंगा, अगर अगली बार भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने मान लो बुलाया तो पूछूंगा आपसे आके कि करमाला में कितने हनुमान जी के मंदिर हैं और राम जी के मंदिर कितने हैं। राम जी के मंदिर अगर 5 होंगे तो हनुमान जी के मंदिर 20 होंगे। हर जगह पर हनुमान मिल जाएंगे, हर जगह, कहीं पीपल के नीचे, कहीं कहीं बैठे हुए, कहीं कहीं बैठे, हनुमान ही हनुमान, ढेर सारे हनुमान। हनुमान आखिर हनुमान जी के मंदिर ज्यादा, राम जी के मंदिर कम क्यों? नहीं तो राम के मंदिर ज्यादा होना चाहिए, हनुमान के मंदिर कम होना चाहिए, पर हनुमान के मंदिर ज्यादा इसलिए हुए क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पुजा गई, इसलिए हनुमान जी के मंदिर ही मंदिर बन गए। मंदिर तुम्हारे भी बन सकते हैं अगर तुम सही से माता पिता की सेवा करो तो। मंदिर बनने में देरी नहीं लगी तुम।